आई स्टॉक के शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी खबर चूंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स आए और इसके बाद स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा है और इस ब्रेकआउट के बाद भी देखेंगे तो पूरे दिन आज एक रेंज में सस्टेन करा है एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होते दिख रहा है वैसे तो रेलवे स्टॉक ने काफी काफी बड़े ट्रेंड भी दिखा है जैसे आई आर एफ सी आर बी एन एल रेलटेल इन लेकिन आई आर सी टी सी वन ऑफ वर्स्ट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम में इस समय इसके क्यून रिजल्ट जो रहे वो रेवेन्यू तो बेटर रहे एटीन परसेंट का राइज दिखा लेकिन प्रॉफिट जो है वो पाँच परसेंट के आसपास की गिरावट दिखी है हालांकि चूंकि स्टॉक इतने अंडर परफॉर्म हैं क्योंकि इस रिजल्ट के बाद भी इसमें गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यहां देखेंगे तो इस स्टॉक में जो एफ है उसके पोजिशन भरे हैं तो डी ने थोड़े बहुत पोजिशन घटाए हैं लेकिन पब्लिक की होल्डिंग और डी की जो पोजीशन घटी है उन दोनों पोजीशन को एफआई के द्वारा एक्वायर किया गया है जो डिलीवरी है वो बहुत बेहतर तो नहीं है फिर भी टेक्निकली स्टॉक में देखेंगे तो इस समय अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है और इसके चार्ट के माध्यम से देखें तो ये जो ट्रेंड था लोअर लो लोअर हाई इसको ब्रेकआउट कर रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी चाहें तो इस समय स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं सिक्स ट्वेंटी के नीचे के एसएल को लगा करके इस स्टॉक के टारगेट सेवन हंड्रेड फाइव सेवन फोर्टी और एट फोर्टी फाइव प्लस तक के लेवल मैक्सिमम थ्री टू फाइव मंथ के ड्यूरेशन में इजिली दिख सकता है और अगर लंबे निवेशक हैं तो थाउजेंड प्लस तक के लिए लेवल्स के लिए होल्ड करें इजली uh, से स्टॉक का थाउजेंड uh, का लेवल वन पॉइंट फाइव ईयर टू टू ईयर के मैक्सिमम ड्यूरेशन में कह रहा हूँ हो सकता है सिक्स मंथ में भी अचीव कर जाए लेकिन अगर आप वन ईयर प्लस के लिए होल्ड करते हैं तो थाउजेंड तक के इजली लेवल्स दिखेंगे